तो क्या हाल है? और एसओपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। गुजरात एमबीबीएस कट ऑफ, कई बार मैं पहले इसका एनालिसिस करके इसको अपलोड कर चुका हूँ, बट अभी बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और गुजरात में काउंसलिंग ऑन है, तो क्या जा सकता है? वैसे मैं फाइनल कट ऑफ बताने से पहले कॉलेज बाय कॉलेज जाकर आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैक्सिमम कट ऑफ है। मैक्सिमम का मतलब इसके अंदर आप 10 नंबर डाउन करके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात ओवरऑल से पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉलेज बाय कॉलेज की। तो ये जीएमसीज की बात करूँगा, ठीक है, यहाँ पर डीम्ड प्राइवेट इन सब की बात नहीं करूँगा, सेमीज की, ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस। पहला भावनगर मेडिकल कॉलेज, जनरल कट ऑफ यहाँ पर लोवेस्ट रहेगा इस बार 640 प्लस, AWS के लिए 625, OBC के लिए 625, SS और SC के लिए 550 एंड ST के लिए 410। जामनगर मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, इसी सीक्वेंस में आपको काउंसलिंग भी करनी है नंबर अगर कम है तो। ठीक है, तो यहाँ का जो बेटा कट ऑफ है वो 645 के ऊपर चला जाएगा। EWS के लिए ये कट ऑफ 3630 और OBC के लिए बेटा 625 एंड SC के लिए 555, ST के लिए 415 के प्लस में ही रहेगा। ठीक है, इस बार कट ऑफ बेटा गुजरात में हाई इसलिए जा रहा है क्योंकि हाई है और आपको पता है नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है गुजरात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे MP, बंगाल, उत्तर प्रदेश, है ना। सो दैट इज़ वाई। राजकोट मेडिकल कॉलेज, राजकोट की बेटा कट ऑफ हाई जाएगी, इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि इसकी कट ऑफ 650 क्रॉस कर जाएगी। 650 से नीचे यहाँ पर एडमिशन मुश्किल है जनरल में। EWS के लिए 650 प्लस ही रहेगा और OBC कैटेगरी के लिए 630, आप 630 से 640 के बीच में ही लगा कर चलना है इसे। SC का कट ऑफ बेटा 550 प्लस चला जाएगा और ST के लिए 420 प्लस रहेगा कट ऑफ। सूरत मेडिकल कॉलेज, जनरल कट ऑफ माइंड ब्लोइंग कट ऑफ जाएगा भाई यहाँ पर 670 के आसपास कट ऑफ रहेगा यहाँ पे। EWS के लिए बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ 670 ही पहुँच जाएगा, 665 670 बीच में। और BC कट ऑफ की बात करें तो वो थोड़ा सा डाउन रह सकता है, वो आपका 645 से 650 के बीच में। ठीक है, 645 तो एटलीस्ट है ही। और SC की बात करें तो ये कट ऑफ बेटा 540 प्लस हो जाएगा और 550 तक ही लेकर चलें। ठीक है, अब ST कट ऑफ जो है वो 450 प्लस रहेगा। अब बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, अब ये इससे ऊपर की रैंक है, मैं रैंक बाई रैंक कॉलेजेस बता रहा हूँ आपको। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज जो है इसका कट ऑफ इससे थोड़ा सा अधिक रहेगा, जैसे बड़ौदा का जो कट ऑफ है वो बेटा 680 प्लस कूद जाएगा। ठीक है, 680 प्लस क्रॉस कर जाएगा जनरल के लिए। EWS के लिए भी ये कट ऑफ बेटा 680 के आसपास, 675 से 680 के बीच में रखना है इसको। और BC कट ऑफ वो है वो 650, ठीक है, कम नहीं है जो कि काफ़ी है। SC कट ऑफ 590 और ST के लिए भी 490 तक आ जाएगा ये कट ऑफ। BJ मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ को होल्ड करने वाला है इस बार गुजरात में, यही अनुमान है, हर बार की यही ट्रेंड रहती है कि BJ मेडिकल कॉलेज को सबसे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ में रहता है। और इस बार भी इसका कट ऑफ बेटा 690 प्लस ही रहेगा, 700 भी पहुँच जाए तो इसमें आप हैरान मत होना। तो 690 को सेफ स्कोर लेकर चल सकते हो BJ के लिए। EWS में 680 प्लस, BC के लिए भी बेटा 680 प्लस ही रहेगा, SC के लिए 600 तक चला जाएगा और SC के लिए बेटा 530। ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 645, सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, ना सेफ स्कोर की, वैसे 640 भी एक सेफ स्कोर है। 640 से नीचे नंबर हैं तो फिर गड़बड़ वाली बात हो गई, कम से कम गुजरात में आपके 640 नंबर तो होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी में। यस, और OBC कैटेगरी की बात करूँ तो 620 से नीचे गड़बड़ है मामला, 620 के ऊपर ही मार्क्स हैं तो ही बात बनेगी। EWS में आपके मार्क्स कम से कम, जो कि OBC और EWS में देखो तो EWS और जनरल कैटेगरी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है गुजरात में, सो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों में। पाँच नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये फ़र्क देखने को ज़रूर मिले जनरल टू EWS, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बेटा ये कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ बनेगी ये बनेगी 640 प्लस ही EWS में, इतना तो रखना। 640, 635 के आसपास भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आप अपना चांस मान सकते हैं।
एससी के लिए बेटा, एससी के लिए तो जो सेफ स्कोर हो रहा है वो कहीं पे भी बेटा डाउन तो हो नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर 550 नंबर है ना आपके, 550, तो आप कहीं ना कहीं गेम में सिक्योर फील्ड में चल रहे हैं, ठीक है। अब एसटी की बात करें लास्ट, तो एसटी के लिए क्या लास्ट टू लास्ट कट ऑफ जा सकता है, तो बच्चे एसटी के लिए 430, यस 430। और 430 भी नहीं है तो अगर आपके स्कोर जो है, आपका स्कोर 620 है ना लास्ट, लास्ट टू लास्ट 620, 630 में तो ये समझ लीजिए कॉलेज की शॉर्टी सी ही हो गई। लेकिन अगर 620 है तो फिर डाउटफुल कंडीशन में तो हो, लेकिन लाइन में हो, रेस में ज़रूर हो, लेकिन 620 से नीचे तो रेस से भी बाहर हो जाओगे। अगर रैंक्स की बात करें तो 28,000 तक की रैंक मांग सकते हो आप जनरल के लिए। ओबीसी के लिए बेटा जो रैंक है वो 49,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए 30,000, 30,000 तक की रैंक। और एससी के लिए बेटा 1 लाख तक की रैंक, 1 लाख। और एसटी के लिए बेटा 3 लाख से प्लस, 3.5 लाख के आसपास, तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 3,30,000 के आसपास भी हो सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 150 मार्क्स हैं अगर गुजरात में, तो चांस हैं, स्लाइट चांस हैं। अगर लेकिन अगर आपके नंबर 200 के आसपास हैं, 180, 190, 200, 200 प्लस, एनीथिंग 200 प्लस, आराम से आपको मिल जाएगा स्टेट के अंदर कॉलेज, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बोलूँ तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी बच्चों के चांस बन जाते हैं, अभी तो राउंड वन की ही बात है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बच्चे ने बहुत बार हमसे डिमांड किया था, नाउ ही इज़ एन अपेयरिंग इन काउंसलिंग एज वेल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, गुजरात के बच्चे, और आई होप आपको वो कॉलेज मिल सके जिसमें आप जाने की आशा कर रहे हैं, और आपको एक MBBS की सीट आपके ही स्टेट में मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, द विक्की सिंह के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।